नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। मैं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा के खिलाफ मोहाली कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी। ये अरेस्ट वारंट इसलिए दिलचस्प है क्योंकि शुक्रवार को इसी की वजह से पंजाब पुलिस की दिल्ली और हरियाणा पुलिस के हाथों खूब वजीहत हुई है। इधर बीजेपी नेता बग्गा केजरीवाल के घर प्रदर्शन करने पहुंच गए हैं। उनके साथ सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं। पुलिस ने पूर्व विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। वहीं बग्गा को गिरफ्तार करने के बाद पंजाब पुलिस को दिल्ली और हरियाणा में डिटेन के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब मंगलवार को सुनवाई होगी। तो तेजिंदर बग्गा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। मुश्किलें तेजिंदर बग्गा की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी मामले पर बोलते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने अपहरण की जानकारी हरियाणा पुलिस को दी, जिसके बाद पंजाब पुलिस को रोका गया। इसमें कोई बदमाश नहीं है। बदमाशी तो इसमें है कि मामला दिल्ली में हो और कार्रवाई पंजाब में। आज पंजाब टॉर्चर स्टेट बन गया है। पुलिस दिल्ली में है, अगर मुख्यमंत्री को ये नहीं मालूम तो उसको मुख्यमंत्री पर रहने का अधिकार भी नहीं है। दिल्ली में पुलिस प्रशासन है और पुलिस काम करती है। अब ये जो ये करवाना चाहते हैं वो शायद वो ना करते। नहीं नहीं, दिल्ली की सरकार अलग है, पंजाब की अलग है, उसमें अपने अपने प्रदेशों की सरकार है। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर होगा। चिंतन शिविर के लिए खेती और किसानों के मुद्दे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई है और इसी को लेकर दिल्ली में हुड्डा ने किसान नेताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। बैठक में किसान नेता राकेश टिकैत, युद्धवीर सिंह सहित कई राज्यों के किसान नेता पहुंचे। कांग्रेस ने पिछले महीने घोषणा की थी कि 13-15 मई तक 3 दिवसीय चिंतन शिविर उदयपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के पार्टी नेता आंतरिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और संगठन को मजबूत बनाने के लिए समाधान सुझाएंगे। इस शिविर में पार्टी के करीब 400 शीर्ष नेताओं के शामिल होने की संभावना है। चिंतन शिविर हो रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ी पार्टी है और सेकंड वहाँ पे हाउस में अपना पक्ष रखते हैं, तो हमने अपना फीडबैक दिया है। वो MSP के ऊपर दिया है, पानी के ऊपर दिया है, बिजली पे दिया है, उन सारी चीज़ों पर हमने अपनी बात रखी और हमने कहा कि आप अपने चिंतन शिविर में ये हमारा पक्ष रखो। और जब भी हाउस में, क्योंकि हाउस में पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं, वे अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो हमारा पक्ष रखें और अपनी गाइडलाइन ये पार्टी भी तय करें और जो भी और पार्टी लाइन पे बात करेगा, हम सबको अपना पक्ष देते हैं, सरकार को भी हम देते हैं अपना और जो भी पक्ष है इनको भी देते हैं। MSP पे रखी कि MSP पे गारंटी कानून बने और हुड्डा साहब की कमेटी पहले भी थी तो उसमें भी बहुत से सुझाव थे। बिजली पे भी रखा, जो बिजली अमेंडमेंट बिल है उस पे भी रखा है हमने, अपनी बात रखी। बैंकिंग वाले मसले पे भी अपनी बात रखी। आज पहले बात तो हम हुड्डा जी का आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने हमको बुलाया और हमारी जो समस्याएं हैं उनको सुना और आश्वस्त किया कि आगामी जो इनका अधिवेशन होने जा रहा है उदयपुर में, इन तमाम बातों को वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। और प्रजातंत्र में एक प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया से काम होगा। आप अपनी बात को जब तक पहुँचाओगे नहीं, सत्ता पक्ष में विपक्ष में सबकी मदद की हमको आवश्यकता होती है और तभी हम अपनी बात को ऊपर तक ले जा पाते हैं। तो आज उसी प्रक्रिया में हमने अपनी जो भी बातें की, जो हमारे ग्रीवेंस से, जैसे सबसे शुरुआत हमने वहीं से की, जो हुड्डा साहब की कमेटी थी 2009 में जिसकी रिपोर्ट थी और 2014 में जिसको बेस बना के BJP ने चुनाव लड़ा था, C2+50 मतलब क्लियर मेंशन था, वो आपकी रिकमेंडेशन थी। आज तक वो लंबित है, मिला नहीं है। A2FL के हिसाब से सरकार किसान को कीमतें दे रही है, जिसकी वजह से प्रति क्विंटल जो है वो 800 से 1200 रुपये तक का घाटा प्रत्येक किसान को अलग अलग फसलों पे होता। तो पहले तो हमने वही की कि आपकी जो रिपोर्ट है जिसको बेस बना के BJP ने 2014 का चुनाव लड़ा था, वो पेंडिंग है, उसको अपने उसमें एजेंडे में रखवाओ, कांग्रेस के एजेंडे में वो रखी जाए।
दूसरा सीए जो सीएसीपी का जो कीमतें निर्धारित करने का जो फार्मूला वो डिफेक्टिव है। किसान एक साल तक दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे, तो तीन जो कानून लाए थे शुरू से इन्होंने कहा था ये किसानों के हित में नहीं है। और मैंने भी कहा था जब वो तीन ऑर्डिनेंस ही आए थे उस समय भी मैंने कहा था अगर तीन ही ऑर्डिनेंस लाते हैं जो आज बात हुई है तो चौथा ऑर्डिनेंस और ले आए कि कोई भी एमएसपी से कम खरीदता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए। तो यही मतलब है जैसे एमएसपी की गारंटी, और एमएसपी चाहे मंडी में खरीदे सरकारी खरीद हो या कोई प्राइवेट खरीद हो उससे कोई कम ना खरीद सके, ये इनकी बेसिक मांग है। और बहुत सारी बातें हैं जो विचार हुआ है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे किसान के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी हो वो किसान को अहित ना करे। किसान का कई दफ़ा होता है भाई एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट की जरूरत है तो एक्सपोर्ट की जरूरत है, एक्सपोर्ट नहीं करते हैं तो डिस्ट्रेस सेल किसान करने पड़ते हैं, इम्पोर्ट की जरूरत जबरदस्ती इम्पोर्ट हो जाती है तो डिस्ट्रेस सेल करने पड़ते हैं, ऐसी स्थिति में नीचे। इस प्रकार बहुत सारे मुद्दे हैं क्योंकि सीवर में मैं कन्वीनर हूँ और हमारे अखिलेश जी हमारे साथ सदस्य हैं, ये प्रमुख सदस्य हैं बहुत, तो इनका सबका जो मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो ये आए हैं इन्होंने अपने सुझाव दिए और बड़ी मजबूती से इन्होंने किसानों की बात रखी और वो सारी बहुत सारी स्टेटों से आए हैं, तमिलनाडु से भी आए हैं, कर्नाटक से भी आए हैं, पंजाब से भी आए हैं, उत्तराखंड से भी आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं, हरियाणा से, मुख्य मुख्य स्टेटों से आए हैं जो किसान नेता, मैं इनका सबका आभारी हूँ जो इन्होंने आया। और कोई देखे ना कोई तमिलनाडु से आए चल के सिर्फ इतना उनको किसानों की बात से हुआ है तो मैं इन सबका आभारी हूँ। 4 जून से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की शुरुआत होने जा रही है। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की लॉन्चिंग सेरेमनी हुई। इस कार्यक्रम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभांकर लोगो और जर्सी और थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया। हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे सीजन की मेजबानी करने जा रहा है। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की भव्य शुरुआत हुई। लॉन्चिंग सेरेमनी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय खेल युवा मामले एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, खेल और युवा मामले के राज्य मंत्री संदीप सिंह भी पहुंचे। इस कार्यक्रम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का लोगो, जर्सी और थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया। मनोहर लाल ने इस दौरान कहा कि 4 जून से 13 जून तक होने वाले खेलो इंडिया प्रतियोगिता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। खेलों का अपना महत्व है, चाहे वो खेलो इंडिया ये चौथा आयोजन देश भर का हो रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ये जो चौथा हमारा खेलो इंडिया का कार्यक्रम इस बार हरियाणा को दिया है। इससे पहले भी 3 बार ये कार्यक्रम हुए हैं। अब उन 3 बार के कार्यक्रम को देखने का अवसर हमें तो नहीं मिला है, हमारे कुछ खिलाड़ी जरूर वहाँ गए हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ हमारा खेल विभाग उन सब का अध्ययन कर लिया होगा, उन्होंने उनसे व्यवस्था में कोई कमी नहीं आने देंगे, उससे बढ़िया व्यवस्था हम करके दिखाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार का भरपूर हमको सहयोग है, हम भी हरियाणा सरकार की ओर से किसी प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर में बजट में कोई कमी नहीं आने देंगे, हमारे सब डिपार्टमेंट्स मिलजुल करके, क्योंकि ये कार्यक्रम केवल खेल विभाग नहीं करा पाएगा, इस कार्यक्रम में हमारे अन्य सभी विभाग उनकी भी भूमिका रहेगी, उनके जो अधिकारी हैं उनके कर्मचारी हैं और हमारे खेल प्रेमी जितने भी इस इलाके के लोग हैं उन सब की अपनी भूमिका वो रहने वाली है। तो मैं हमारे केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी को विश्वास दिलाता हूँ कि किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हरियाणा में खेलों का दबदबा रहा है, लिहाजा केंद्र और हरियाणा सरकार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रही है। हरियाणा में होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2 नहीं 5 ट्रेडिशनल गेम्स को शामिल इसमें किया जाएगा।
और इसमें थंगटा हो, गटका हो, मलखंब हो, योगासना हो, पैरापट्टू हो, ये सारी गेम्स का यहाँ पर आयोजन भी होगा और हरियाणा के लोगों को इसको देखने का और पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलेगा। चौथी बार गेम्स हो रही हैं, सबसे पहली बार दिल्ली में हुई, फिर पुणे में, गुवाहाटी में हुई, और सबसे बड़ा कंटिंजेंट कहीं पर आ रहा है तो 8,500 खिलाड़ियों का हरियाणा में होने वाली यूथ गेम्स में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आने वाले हैं। धाकड़ मैस्केट तो है ही है, कार्यक्रम भी धाकड़ ही लग रहा है और खेल भी धाकड़ ही होने वाले हैं। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स या खेलो इंडिया की सोच माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना है कि खेलों में भारत को आगे कैसे लेकर जाना है। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा आयोजन करने जा रहा है, चौथा भी है, 4 तारीख को शुरू भी होगा। और मैं ये तो कहूंगा, है तो क्रिकेट की भाषा की चौका लगाने वाली बात है, लेकिन अगर हरियाणा की बात करूं तो आयोजन की बात हो या खिलाड़ियों को तराश कर देश के लिए मेडल जीतने की बात हो, अगर देश में सबसे अव्वल नंबर पर कोई राज्य आता है तो उसका नाम हरियाणा। वहीं हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि खेलो इंडिया गेम्स के आयोजन से खिलाड़ियों को अपना हुनर दिखाने का बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है, जो खेल और खिलाड़ी दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। पहले के जमाने में अवार्ड्स, नौकरियां, कोचेज, टूर्नामेंट्स, स्टेडियम्स की बहुत कमी होती थी। आज चाहे वो कैश अवार्ड्स हों, चाहे वो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी के तहत जॉब्स हों, चाहे वो कोचेज हों, चाहे वो टूर्नामेंट्स हों, ये सारे के सारे जो हैं हरियाणा में पूरे देश भर से अलग होकर चलने की राह माननीय मुख्यमंत्री जी दिखा रहे हैं। जब खिलाड़ी खेलने जाता है तो उसको खेलने के बाद जीतने के लिए हर कोई हार डालने के लिए, उसके सम्मान के लिए आगे खड़ा हो जाता है, होना भी चाहिए। लेकिन हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है, जब खिलाड़ी खेलने जाता है उसकी तैयारी के लिए, तैयारी के जो पैसे हैं 5 लाख रुपए, वो पहला प्रदेश है जो पहले दे रहा है, ये बहुत गर्व की बात है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लॉन्चिंग सेरेमनी में साफ हो गया है कि मेजबान हरियाणा तैयार है और अब बस 4 जून का इंतजार है। पंचकुला से अमित शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज गांव बड़वा में महाग्राम योजना के तहत करोड़ों की लागत से पेयजल, सीवरेज की पाइपलाइन और नए जलघर के निर्माण का शिलान्यास किया। इसके बाद कृषि मंत्री ने गांव रुपाड़ा में 62 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सिवानी सब माइनर के जीर्णोद्धार नवीनीकरण के कार्य का शिलान्यास किया, जिसको लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में STPO में जल को साफ कर सिंचाई के काम में लाया जाएगा ताकि किसानों को सिंचाई में फायदा हो। उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार किसानों के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं ला रही हैं, इससे किसानों को फायदा हो रहा है। मेरे क्षेत्र के सबसे बड़े गांव में आज महाग्राम योजना के तहत बड़ी योजना है, इससे पूरे पते घर को मिलेगा, पते घर में या मकान पानी मिलेगा, पावर सप्लाई के लिए घर से ज़्यादा पानी उपलब्ध कराने के लिए सारी पूछेगी, और सारा जो है काम एक तरह से शहरीकरण की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएगा। 40 करोड़ रुपये जो रुकी है खेती कराई उससे बहुत ज़्यादा कटा, इस तरह के कामों के विकास करेंगे तो हमारा जो हरियाणा है बहुत। तो वहीं अंबाला कैंट में बने अटल कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 मई को करेंगे। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहेंगे। पहले कैंसर के इलाज के लिए लोगों को चंडीगढ़ जाना पड़ता था, वहीं अब अंबाला में ही कैंसर का इलाज होगा। यहाँ के आसपास के लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी, वहीं लोगों का समय भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे। अंबाला वासियों में इसको लेकर खुशी की लहर है। इसके लिए अंबाला वासियों ने अनिल विज का धन्यवाद भी किया। आसपास के कई प्रदेशों में कैंसर का अस्पताल, कैंसर आज बहुत
फैल रहा है, उस कैंसर के अस्पताल का उद्घाटन करने आ रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने। 9 तारीख को जो माननीय श्री अनिल विज गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री जी जो ये सौगात दे रहे हैं, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कैंसर के लिए जो नाम ही सुनकर एक दफ़ा परेशान हो जाते हैं लोग, और जिसको जिसके लिए उनको उचित इलाज, उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता, जिसके लिए लोग चंडीगढ़, दिल्ली या बॉम्बे तक जाते हैं, वो चीज़ सारी उपलब्धि यहाँ पर है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मशीनरी, हाई मशीनरीज यहाँ पर उपलब्ध है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जनता कैंप लगाया, जिसमें भारी संख्या में लोग अपनी अपनी शिकायतों के निपटारे के लिए पहुंचे। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने कई फरियादियों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी किया। और वहीं बिजली मंत्री रंजीत चौटाला ने बिजली कट को लेकर कहा कि अडानी पावर से समझौता हो चुका है, 9 मई से 1050 मेगावाट बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा रंजीत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में अब बिजली के कट नहीं लग रही हैं। 1050 मेगावाट अडानी से हमारी टोटल अंडरस्टैंडिंग होगी, हमारा फैसला हो गया, वो हमें मंडे से हमें 1050 मेगावाट मंडे या ट्यूजडे के दिन से हमें मिले, और उसके बाद तो कोई इशू है। हमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से हमारे कोई 500 मेगावाट का हमारा उससे मोटा मोटा फैसला हो गया, और हमें वो भी आने शुरू हो जाएगी। तो आप ये समझिए कि हमारे 10-11 हज़ार मेगावाट इन हैंड हमारे बिजली रहेगी, जो इन दिनों में हमें सफिशेंट होती है। हम पिछले एक हफ्ते से, मतलब 1 मई से लेकर आज तक हमारे कोई कट कहीं भी नहीं लगा। इंडस्ट्री में तो प्रॉब्लम लग जाता है, पर आज गुड़गांव फरीदाबादी हमने रिस्टोर कर दिया। आपका 1 मई से लेके इस 7 मई तक हमें जो पिछले साल हमने जो पावर सप्लाई करी थी इन दिनों में, उसे कम्प्लीटली एक स्टेटमेंट बनाई है। जैसे कल हमने 36 पॉइंट कुछ फालतू करी है, जो पिछले साल की उससे हमारी ज़्यादा गई है। इन 7 दिन में हमारे कोई कट नहीं लगा, ना डोमेस्टिक लगा, ना एग्रीकल्चर सेक्टर लगा। बिजली के अघोषित कटों से परेशान होकर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से सिरसा में बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के आवास का घेराव करने का ऐलान किया हुआ था। हालांकि सिरसा पुलिस ने भूमणचा चौक के नजदीक बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन आप के कार्यकर्ता ने बैरिकेड उखाड़कर हरियाणा के बिजली मंत्री के आवास के नजदीक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। पहले से ही महंगाई की मार झेल रही आम जनता को एक बार फिर महंगाई का जोरदार झटका लगा है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया गया है। देखिए रिपोर्ट। महंगाई का एक और झटका, घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़े दाम, किचन का बजट बिगड़ा। आपके किचन का बजट बिगड़ने वाला है, जी हां, क्योंकि रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। कमर तोड़ महंगाई ने पहले ही घर का बजट बिगाड़ा हुआ है। रही सही कसर अब घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के बढ़े दाम ने पूरी कर दी है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब घरेलू सिलेंडर की कीमत 999.50 रुपए प्रति सिलेंडर होगी। इससे पहले मार्च 2022 में घरेलू सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की वृद्धि की गई थी। 1 मई को 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 102.50 रुपए बढ़े थे। इस सिलेंडर की नई कीमत दिल्ली में अब 2355.50 रुपए है। पहले इसकी कीमत 2253 रुपए थी। 1 अप्रैल को भी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले 1 मार्च को 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 105 रुपए बढ़ी थी, जबकि 22 मार्च को 9 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी।
महंगाई ने पहले ही आम आदमी की जेब पर डाका डाला हुआ है। ऐसे में महंगाई के एक और जोरदार झटके ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। सर बिल्कुल है सर, दिख रहा है कल तक हमारा रेट 970 रुपए के आसपास था, आज 50 रुपए बढ़ गए हैं। कमर्शियल भी 2392 का था, 2382 का हो गया है, और इससे सीधा सीधा हमारी रसोई पे तो पड़ ही रहा है सर, हमारी पे और सभी के ग्राहकों पे। अभी प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले एक स्कीम चलाई थी उज्ज्वला के तहत, तो उसमें फ्री कनेक्शन बांटे गए थे, तो लोगों को फ्री तो कनेक्शन मिल गया, लेकिन अब रिफिल कहाँ से कराएं? रिफिल कराने के लिए पैसे नहीं है, रोज आते हैं, तो इससे हमारी सेल पे भी फर्क पड़ ही रहा है। भाई हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो इतने दाम बढ़े हैं थोड़े सस्ते होने चाहिए, हम गरीब आदमी कैसे भरवाएं, कैसे बता कैसे गुजारा करें, गरीब आदमी है, मेहनत मजूरी हमें नहीं मिलती, कुछ नहीं, बड़े परेशान हैं हम तो महंगाई से। महंगाई से आम जनता तिलमिलाई हुई है, ऐसे में विपक्ष को भी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। एक बड़ी भाजपा के अच्छे दिनों में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि महंगाई में कौन आगे बढ़ता है, डीजल आगे बढ़ता है कि पेट्रोल आगे बढ़ता है, कि एलपीजी का सिलेंडर आगे बढ़ता है, कि सब्जी आपने पीछे देखा किस तरीके से अलग अलग सब्जियों के नींबू का, कभी नींबू आगे दिखाई देता है, कभी एलपीजी, अब मुझे लगता है मगर 1000 तक पहुंचकर इस महंगाई के विजय, भाजपा के अच्छे दिनों का महंगाई का अगर कोई विजेता के रूप में कोई उभर रहा है तो वो अब रसोई गैस का सिलेंडर बनने उभर रहा है। तो मैं समझता हूँ सरकार शायद इसको भी अपनी उपलब्धि बता के लोगों के बीच में लेके जाए, लेकिन दुर्भाग्य है जिस तरीके से हर गरीब व्यक्ति, हर आम परिवार के घर का बजट बिगाड़ने का काम इस सरकार ने किया, वो दिखाई इस बात को दर्शाता है कि सरकार पूर्णतः असंवेदनशील सरकार है। हम मांग करते हैं कि ये बढ़े हुए बड़ी कीमत पे वापस लें। महंगे पेट्रोल डीजल ने पहले ही लोगों की जेब हल्की कर दी है, ऐसे में अब आपको किचन के बजट पर भी अपनी जेब पहले से थोड़ी ज्यादा ढीली करनी होगी, क्योंकि महंगाई से राहत के कोई आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो घरेलू गैस की सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी ने एक बार फिर जनता पर महंगाई की मार फाड़ दी है। फिलहाल हरियाणा विशेष में बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।